पहली बात है आगे कन्फर्म करने आए कि यहाँ ये नंबर है, तीसरी बार आए वो कि कैमरे किस किस क्या लगे हुए, ये भी बहुत अच्छी बात है, कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरे चलेंगे कैसे, इंटरनेट से आप चलिए सारी लाइनें कटेंगे, इंटरनेट चलेगा कैसे, आप छोड़ ही नहीं सकते, चैलेंज है हमारा कि अगर आज जुड़ जाए वो करा दूंगा आज शाम तक हम सब आज पूरा वादा आया करना कराऊं तो बता दीजिए आप योगी जी के जाने के बाद जो होगा होगा, लेकिन अभी आप थोड़ी गली में देख लीजिए केबल यार डोरिंग से बंद लाइट बिजली नहीं लाइट नहीं सर्विस कर रहा हूं अमेज़न पे दो दिन से लैंडिंग में जा रखा था इंटरनेट वाला पूरी लाइन कंपनी का है कंपनी का है और एयरटेल स्काई टाटा स्काई एयरटेल आधे घंटे का आपका आएगा अरे मीटर फाड़ दिए साहब, अभी मीटर वाले पास जाएंगे 20,000 में कंपनी मांगे लगवा देंगे, अभी एक घंटे का समय तो अगर एक घंटा लगा मीटर बताओ साहब, इस वाली रोड से ये कार्निवल स्ट्रीट है, एक तो ब्राजील में रियो में एक यहाँ पर, यहाँ तो रोज 300 जलते निकलते हैं, योगी जी भी माननी योगी जी भी अभी मीटर भी बुलवा के लगवा रहा हूँ और वो कनेक्टेड वो भी करा रहा हूँ, ठीक है, हमें समय तो बस 1 घंटे का, आप 1 घंटे का समय बात अभी हम समझ गए, मैं ये ज्यादा होना नहीं चाहिए, नहीं होगा अगर आप देखिए गली में आप देखिए आप मानता हूँ अभी जैसे श्री मंडल साहब आए थे रात में इनको पता चला हम लोग गेट पास खड़े थे साहब ने तुरंत वापस कर दिया सब करा आप जिम्मेदारी तो घर के मुखिया की होगी, मैं आपसे आप बोलो कि हम नहीं थे, आप बोलो हम नहीं अभी देखिए मंदिर में हमसे फोन आया, हमने कहा मंदिर में उनको मैंने उनका पैसा दिया सब सही करवा दिया है यार, बात समझ रहे हैं, ये जिम्मेदारी भागने वाली बात है, आप गलत समझ रहे हैं, आप हम जिम्मेदारी देंगे, हम लोग उसे करा रहे हैं बस, ठीक यहाँ हम लोग उनके कई कुछ लोग हैं स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आप पाँच आधा समझ गए सब सही सब करा रहे करा रहे ठीक है।
ज्यादा चोरी हो जाए फिर अतिक्रमण के नाम पे लोग शटर वगैरह उखाड़ दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है? व्यापारियों में इस प्रकार का रूस है, व्यापारियों के साथ ये दुर्व्यवहार पहली बार नहीं हुआ और आज सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्यों ऐसा किया गया। जो व्यापारी जो आपके ऊपर फूल डाल रहे हैं उन पर आप अंगारे कैसे बरसा सकते हैं, कैसे उनकी शटर उखाड़ सकते हैं, कैसे उनके दुकान को क्षति पहुंचा सकते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी भरपाई प्रशासन को करना पड़ेगी क्योंकि ये अपराध है। अभी आपकी नगर आयुक्त जी ने बात की, नगर आयुक्त का कहना है कि हम लोगों को जैसा आदेश मिला उठाने आएंगे ना, जब उठाने आए तुम लोग नहीं, अब रोड शो कैसे होगा? रोड शो कैसे होगा? इसके लिए तो भाई साहब बहरम बाबू हम सब दुकानदारों को धंधा करके बैठ जाना चाहिए जिसमें इनका रोड शो कैंसिल हो जाए। ये खुद आके देखे कि ये क्या है, ये गुंडागर्दी है, ये साथ क्या है ये भाई। और इतनी देर होने के बावजूद भी भाई साहब बीजेपी से एक भी कोई नेता, कोई कैंडिडेट, कोई भी नहीं आया, ना अध्यक्ष आया, ना कैंडिडेट आया, कोई नहीं आया बीजेपी नेताओं। और हमारे बीच के जो नेताजी हैं आज देखो हमारा केवल 5 मिनट नहीं लगा। कौन से नेताजी? कौन से नेता? प्रदीप आदित्य जी उम्मीदवार, वो 5 मिनट के अंदर हमारी दुकान पे यहाँ पर। मंगलवार था कल दुकानें बंद थी। अगर आपको कोई भी बात थी आप सोमवार को बोलते, व्यापारियों से व्यापारी हटाता, यदि नहीं हटाता तो नहीं हटाता। लेकिन आपने मंगलवार दुकानें बंद आपको ये कर दिया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही Thank you.
सर 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 क्या आश्वासन हुआ सर व्यापारियों को?